लाइट वाइट भी नहीं थी, आप लोगों ने जो है वो खाना वाना भी नहीं खाया, बहुत पुरानी रात नहीं है, 5-7 मिनट 8 बजे में बचा है, 5-7 मिनट कुछ बातें और 5-7 मिनट बताए 10 मिनट में इंशाल्लाह आप और आपकी बेटा आपके साथ होगी। सवाल कर कल जो बात आई के अली से बड़ा न दुनिया में कोई आलिम है, अली से बड़ा न कोई दुनिया में साहिब है, अली से बड़ा न कोई दुनिया में शजा है, अली से बड़ा न दुनिया में कोई फकीर है। इसलिए कि अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम को जिनको खुदा ने अपनी विलायत और इमामत के लिए चुन लिया, अगर आपके जहन में वो बात मौजूद हो जो कल हमने इसी आयत के ज़िम्न में अर्ज की थी, तो क्या बयान किया, अगर आपसे कोई एतराज कर दे कि अल्लाह ने अहले बैत से नजासत को दूर रखा लिहाजा वो मासूम हुए, हमको रखता हम भी हो जाते, तो हमने जवाब दिया चूंकि जिसके पास जितना इल्म होता है वो उतना मासूम, अहले बैत वाली मुकम्मल इल्म है आलिम है लिहाजा वो मुकम्मल मासूम है। तो एतराज करने वाला ये कहेगा ये भी तो बता दीजिए कि इल्म इनको कहाँ से आया, कहा अल्लाह ने दिया, कहा वही इल्म खुदा हमें दे देता हम भी हो जाते। तो ये बात जाते जाते कहाँ गिरती है, यानी ये कहना चाहते हैं कि ये सारे फ़ज़ाइल और कमालात खुदा बंदे आलम ने इनके ऊपर थोप दिए हैं, ज़बरदस्ती दिए हैं, खुदा हमें देता हम भी हो जाते। तो जवाब हमने क्या दिया कल, अगर आपके अजहान आलिया में महफूज हों कि देखें हम लोगों का मसला ये है कि जब हम कोई काम कर लेते हैं तो पता चलता है कि ये आदमी इस काम के लायक नहीं है, लेकिन अल्लाह इस चीज़ का मुहताज नहीं है, कोई अमल करे उसके बाद खुदा को मालूम हो कि कौन कितने पानी में है। खुदा के यहाँ ये उसे पता है कि कौन विलायत और इमामत का अहल है, वो दे के आजमाने की ज़रूरत नहीं है कि आजमाए उसके बाद पता चले कि कौन मनसब इमामत पर आ सकता है।
हम लोगों का मसला यह है कि हम किसी को प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रधान, मॉनिटर कुछ बना देते हैं, जब वो खराब करता है तो अब चाहे जितना खराब कर दे, बनाया है तो 5 साल तो झेलना ही पड़ेगा। तो हम लोगों का मसला यह है कि किसी को हुकूमत की बागडोर देने के बाद समझ में आता है कि ये इसके लायक नहीं, आप दोबारा नहीं बनाएंगे। लेकिन खुदा के साथ ये मसला नहीं है, खुदा पहले से जानता है कि किसको दिया जाएगा, कौन संभाल सकता है। हमें जो आदमी अपना ईमान न संभाल सका वो पूरा इस्लाम क्या संभाल। जब खाली ऐलान हुआ कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए, शहीद हो गए, शहीद हो गए, सब भाग गए, रसूलुल्लाह ने पूछा अली तुम क्यों नहीं गए, तो अली ने एक जवाब ऐसा दिया है जिससे रहती दुनिया तक के लिए एक फार्मूला पता चल गया। अली ने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मुझे यकीन था कि आप जिंदा हैं, या रसूलल्लाह मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे इसलिए जो है क्या कहते हैं बैठा हुआ था। अली ने क्या कहा, या रसूलल्लाह क्या मैं ईमान के बाद कुफ्र अख्तियार कर लेता, तो पता ये चला कि जो रसूलुल्लाह को मानने के बाद छोड़ के भाग जाए वो काफिर होता है, मुसलमानों का रहनुमा नहीं होता। जो रसूलुल्लाह का साथ छोड़ दे वो रसूलुल्लाह का जानशीन नहीं हो सकता। और ये खुदा खूब कुरान ने कहा अल्लाहु अलमु हैसु यजअलु रिसालता, खुदा खूब जानता है कि इमामत को किस खानदान में रखना है, वो देख करके आजमाने का मोहताज नहीं है। लिहाजा ये जो इतराज होता है कि अल्लाह हमें देता, हमें खुदा जानता था कि हम किसको देते और कौन उसको संभाल के रखता, लिहाजा खुदा के इल्म में था कि सिवाय अली और अहले बैत अलैहिस्सलाम के कोई इसका मुस्तहिक नहीं है, कोई इसके हकदार नहीं हो सकते। अजीजो वाकयन ये शेर खुदा, लोग कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है, जिस अली के गले में रस्सी का फंदा डाला गया उसके कैसे मुमकिन है कि लोग रस्सी का फंदा डाल लेते, जब ये बाबे खैबर उखाड़ सकते। तो शेर खुदा, शेर खुदा, शेर खुदा, बकौल खदीब अकबर के कहते हैं चूंकि शेर खुदा थे इसीलिए लोगों ने गले में रस्सी का फंदा डाला, पक्का शेर होते तो कोई न डाल सकता, वो शेर खुदा थे इसलिए आपने डाल लिया। अब देखें, अब वो जो है वक्त नहीं बनना, मैं मंजरकशी करता कि जब क्या कहते हैं जंग हो जाती थी, जंग में तो कुछ कर नहीं पाते थे, अब मैं क्या नाम लूं किसी का, इसलिए कि मिंबर तैयब ताहिर पाको पाकीदा है, नजीस नाम लेना मुनासिब नहीं है। कहते हैं कि जब जंगे हो जाती थी, जब असीर करके लाए जाते थे तो जो पहाड़ों पे भागते थे, अब वो तलवार जो है कभी पेशानी पे लगा रहे हैं, बोल कलमा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जो है क्या कहते हैं पेट पे तलवार लगा रहे हैं, गर्दन पे तलवार, या रसूल अल्लाह कहिए, अजब नहीं रसूल सोच रहे एक तो हाथ खोल दिया जाए फिर तलवार लगाओ तो जाने। ये फकत अली हैं कि जो कुफार और मुशरिकीन के दरमियान जाके अकेले सूरह तौबा की तिलावत कर रहे हैं। अजीजो ये वाकयन जरा सी ताकत आ जाए तो इंसान का मिजाज बदल जाता है, मगर अली अपने आप को मोहम्मद का गुलाम तसव्वुर कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज आप देखें कि मौलाए कायनात, वगर ना वो अली जिसके सामने मरहबो अंतर कुछ नहीं कर सकते, इब्ने मुल्जिम कत्ल कर सकता था, इब्ने मुल्जिम शहीद कर सकता था, मगर इनका तो शेवा हमेशा से रहा है कि ये जानते हैं कि सामने से वार नहीं किया जा सकता, धोखे से वार किया जाता है। और अजीजों वही हुआ कि इन लोगों ने मौलाए कायनात को धोखे से मस्जिद में शहीद किया। आज हमारे ऊपर ये इतराज है आतंकवाद, आतंकवाद, हम तो खुद आतंकवाद का शिकार हैं। सबसे पहला जो आतंकी हमला हुआ था वो मस्जिद में मेहराब के अंदर हमारे मौला के सर पे सरबत लगाई है। और अफसोस, अफसोस, अभी से पूछा जाए मौला अली का कातिल कौन है, कौन है मौला अली का कातिल, ये सुनते जाइए कौन है मौला अली का कातिल है, और इमाम हुसैन का है, इमाम हुसैन को कत्ल करने वाला कौन है, अगर इनको 50 करोड़ दे दिए जाके उनके मर्डर कर दीजिए, ये मारने वाले, ये तो भाड़े के टट्टू हैं, कातिल असल हम हैं। लेकिन आज दुनिया जानते नहीं जानती हुसैन का कातिल कौन है, यजीद, हुसैन का नाम आता है कातिल यजीद, मौला अली के जब नाम आता है कातिल कौन है। आज वाकई आप देखें ये पूरा एक
रचा गया क्या कहते हैं कि सियासी प्लान है। इब्ने मुल्जिम सिर्फ एक जरिया है। ये क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं, अगर मुआविया होता उसको भी तो कत्ल करने के लिए गए थे। हुआ क्या कि जब जंगे सिफीन जो है हो रही थी तो इसने कुरान नैजे पे बुलंद किया अमरयास के कहने पे, और इधर मौला अली अलैहिस्सलाम के जो साथ थे, या अली हम कुरान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, या अली हम कुरान के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे, या अली हम कुरान। मालिक अश्तर कह रहे बाबा अली नातिके कुरान है, वो सिर्फ कागज है, लिखा हुआ है, वो कुछ भी हो जाए हम कुरान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। जब साथी खराब हो ना तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मौला अली कहते हैं मेरे गले में जैसे हड्डी फंसी हो ऐसे ऐसे माहौल मौला ने गुजारे, और ये भी उसी में से एक है। क्या करेंगे जब चाहिए पूरे, तो मौला का ठीक है जीती हुई जंग छोड़ दिया, वापस आ गए। अब क्या करना है, फिर करना क्या है, तय होगा, एक आपकी तरफ से एक हमारी तरफ से। तो मौला अली ने कहा ठीक है हमारी तरफ से कम से कम इब्ने अब्बास को बनाओ फैसला के। अभी आप अपनी तरफ से किसी अच्छे आदमी को बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये फैसला सही करेंगे, कहा इधर से इब्ने अब्बास को बनाओ। मुआविया की तरफ से भाई अमरयास, फिर ये सब करो, या अली इब्ने अब्बास नहीं बनेंगे, या अली इब्ने अब्बास नहीं बनेंगे। आप गौर कीजिएगा कहीं मौला की गलती है हमारे, पहले मौला ने क्या कहा कि ये कुरान के धोखे मत आओ, फिर मौला ने क्या कहा अच्छा बना रहे हो हकम अपना जजमेंट किसी के, किसको बनाओ इब्ने अब्बास को, फिर ये सब यही खवारिज जो फूट करके निकले, या अली इब्ने अब्बास नहीं बनेंगे, इब्ने अब्बास नहीं बनेंगे, फिर किसको बनाना चाहते हो, तो अबू मूसा अशअरी, क्यों का पांचों वक्त की नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अच्छा अमामा लगाते हैं, बिल्कुल नमाज रोजा का पाबंद है, मुकद्दस चुकद्दस है। मौला ने कहा फिर तुम गलती कर रहे हो, नहीं अबू मूसा अशअरी बनेंगे, नहीं अबू मूसा अशअरी बनेंगे। इन जाहिलों की वजह से मौला को फिर खाम, ठीक है बनाओ देखते हैं क्या हो, बन गया। इधर मौला अली की तरफ से कौन, अबू मूसा अशअरी, मुआविया की तरफ से अमरयास। इतना फितीन था ये अमरयास, जाके अबू मूसा अशअरी से कहता है सुनो ना अली मुआविया इन दोनों लोगों ने इस्लाम और उम्मत को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया है, दोनों का किस्सा खत्म कर दिया। कहा बात तो सही है आपकी, कहा फिर आप जाइए मिंबर पे और अली को माजूर कर दीजिए, मैं भी मुआविया को माजूर कर दूंगा। कहा ठीक है, कहा तो चलो पहले। अरे सरकार क़िबला पहले आप चलिए, आप बड़े हैं बुजुर्ग हैं आपकी दाढ़ी बड़ी है, भूल गए हर आपकी तारीफ पे भूल जाता। कभी भी अगर कोई बहुत ज्यादा मुंह पे तारीफ कर रहा, हौसला अफजाई वहां तक हौसला अफजाई है जहां तक वो चापलूसी ना बन जाए। देखिए हौसला अफजाई एक अलग चीज है, लेकिन तारीफ अगर बहुत ज्यादा हो रही तो हौसला अफजाई, अब बहुत अच्छे पढ़ने में यह हौसला अफजाई है, बार बार कहे जा रहे हैं अब यह हौसला अफजाई नहीं, ये तारीफ है जरूर से ज्यादा। भूल गए आए मिंबर पे मैं कुछ हूं, कहा जैसे मैं ये अंगूठी उतारता हूं ऐसे ही मैंने अली को सस्पेंड किया, माजूर किया, बर्खास्त किया, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगे ऊपर चलिए बिस्मिल्लाह आप चलिए। अमरयास आया कहता है कि जैसे मैं ये अंगूठी पहन रहा हूं वैसे ही मैंने मुआविया को बहाल किया। अब मौलाना का बोलो, कह रहे थे नहीं कह रहे थे, कहते हैं कि अब ये खवारिज जो है कहीं मौला की गलती है इसमें, ये सब आ गए दुश्मनी पे। उसके बाद वहां से जंगे शुरू हुई, जंगे नहरवान, कहते हैं अब उसके बाद जो है जो क्या कहते हैं कि इसका प्लान था, इसकी सियासत आप बारीकी देखें, चूंकि मुआविया को ये मालूम है कि पब्लिक भी जानती है कि अली के दुश्मन कौन है, खवारिज, इन्होंने पूरा एक प्लान बनाया अपनी तरफ से कि तीन आदमी, एक को भेजा जाए शाम जो जाके कत्ल करे किसको, मुआविया को, एक को भेजा जाए कहां मिस्र जो जाके कत्ल करे किसको, अमरे आस को, एक को भेजा जाए कूफा जो जाके किसको कत्ल करे, अली को। इल्जाम किस पर डाल दिया जाए, खवारिज के ऊपर, क्योंकि पब्लिक ये जानती है कि अली की खवारिज से बन नहीं रही है, अली की खवारिज से वैसे ही दुश्मनी हो चुकी है, फूट पड़ चुकी है, पब्लिक भरोसा भी कर लेगी हाँ खवारिज ने मारा होगा। अच्छा दिखाने के लिए नहीं कहते
काम करो, फरमान साहब को साथ में लेके जाऊंगा, एक आध कट मुझे भी लगा देना। ये आज हो रहा नहीं हो रहा, ये सियासत 1400 साल पहले की है। एक आध कट मुझे भी लगा देना और फिर इनको मार देना। किसी को क्या पता तारिफ साहब ने मरवाया। ये प्लानिंग पहले से थी कि हम अपने ऊपर भी हमला करवाएंगे ताकि पब्लिक को यह यकीन हो जाए कि माफिया ने थोड़ी अकी को कत्ल करवाया है। अगर माफिया ने करवाया होता तो माफिया के ऊपर किसने हमला किया, अमरयाद पर किसने हमला किया? वाह, सवाल यह है कि अगर उन्होंने नहीं भेजा था तो अली के अलावा बाकी दो लोग कत्ल क्यों नहीं हुए? सिर्फ अली क्यों शहीद हुए? माफिया कैसे बच गया? अमरयाद कैसे बच गया? अली तो शहीद हो गए। आगे आप यहां समझिए कि आप कैसे जो है क्या कहते हैं कि माविया की प्लानिंग थी पूरी। या तो आप ये कहिए कि वो जो कत्ल करने आए थे वो पहचानते नहीं थे। मैं यहां नमाज पढ़ा रहा हूं, पीछे से आपको देख के अंदाजा नहीं हो जाएगा कौन बैठा है, अगर आप एक महीना मेरे साथ रहे हैं। या तो आप ये मानिए, और वो हुआ भी, जो गया तो उसकी जगह वो शहीद हुआ भी, हलाकत हुआ भी, हलाक हुआ भी हो। या तो आप ये कहिए कि माविया की तरह से उसने एक आदमी को वैसे ही अपना मामा और अबा कबा पहना के भेजा ताकि लोगों को लगे कि ये माविया है। अगर दोनों बातें सही हो, या वो जो कत्ल हुआ वो माविया की तरह ड्रेस पहन के गया, तब भी इसका मतलब ये बातें इनको पहले से सारी के सारी पता थी। या अगर ये कहे कि नहीं पहचानता था, ये इम्पॉसिबल है कि कोई माविया आज कौन है जो अपने वजीर आजम को नहीं पहचानता। ये हो ही, माविया कोई झकी छुपी हम शख्सियत नहीं था। कौन था जो माविया को नहीं पहचानता था? माविया नमाज पढ़ाने गए, एक आदमी धोखे से उनको मार दिया। या तो इसका मतलब यह है कि वो पहले से जानता था, ओके बात। या जो है क्या कहते हैं कि उसने अपना ड्रेस पहना करके भेजा कि ताकि देखने में ऐसा लगे कि माविया है। वरना अगर ऐसा नहीं है तो ये बताएं कि आखिर कैसे किस तरह से मुआविया को पता चला। इसका मतलब यह है कि ये सारा प्लान किया था किसका था? इनका था। और इसीलिए दोनों जगह फेल हो गया। कामयाब कहां पे हुआ? और एक बारीक नुक्ता जो साफ इशारा कर रहा है कि ये काम उसी का है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम में क्या किया गया था? अशअस जुदा बिनते अशअस के जरिए इमाम हसन का कत्ल हुआ ना। कहते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत में भी इसी अशअस का सहारा लिया गया इब्ने मुल्जिम को कूफे में माहौल तैयार करके देने के लिए। ये अशअस का पहले से कनेक्शन था किससे? मुआविया से। हवारिश तो बीच में है ही नहीं। ये सारी बातें कहती है कत्ल सारा किया धरा इनका है। ये वही प्लान है जैसे रसूलुल्लाह की शहादत इतनी ज्यादा छुपाई गई, आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि रसूलुल्लाह के साथ वफात कहना या शहादत कहना है। खैबर में आने वाली एक औरत ने जो है क्या कहते हैं कि खैबर की एक औरत ने, यहूदी की एक औरत ने जहर दे दिया था रसूलुल्लाह को सन 7 हिजरी में, और रसूलुल्लाह शहादत कब हुई है? 11 हिजरी में। ये कौन सा जहर था जो 4 साल के बाद असर कर रहा है? इसका मतलब कि कत्ल किसने किया? वही सारी प्लानिंग मौला के साथ भी हुई है। लेकिन ये तो वली खुदा है, रिवायत कहती है ये दोनों लोग बच गए लेकिन मेरा मौला शहीद हो गया। अजीजो आज वो कयामत की तारीख है। 19 रमजान सुबह में जरबत लगी है अली को, मगर रिवायत कहती है कि अली बिस्तर पे तड़प रहे हैं। रिवायत कहती है कि इस मलऊन ने अपनी तलवार को इस कदर जहर से बुझाया था कि रिवायत कहती है कि वो तबीब जब आया है, सवाल ये है कि ये लोग जानते थे या नहीं जानते थे कि अब मौला को बचना नहीं है, या खुद ये शिफा नहीं दे सकते थे? ये तो खुद शाफी है तबीब क्यों बुलाया गया? शायद इस वजह से तबीब बुलाया गया, क्या इमाम हुसैन हाथ रखते शिफा न मिल जाती? का कैसे? ताकि तुमको पता तो चले कि तुम्हारे मौला को किस तरह जर्ब लगाई गई है, किस कदर जहर में बुझाई हुई तलवार थी। जब तबीब आया है वो कहता है मैं फर्क नहीं कर पा रहा हूँ कि अली का हमामा ज्यादा जर्द है या अली की पेशानी ज्यादा जर्द है। अरे ये तलवार इस कदर जहर में बुझाई गई है, अगर एक कतरा भी मिला दिया जाए पूरे कूफे वालों के लिए काफी हो जाएगा, पूरे कूफे वाले खत्म हो जाएंगे। ये अजीजो ये शेर खुदा है जो दो दिन से
बर्दाश्त किए हुए हैं। अदादार मौला बिस्तर पे हैं, तबीब ने कहा कोई उम्मीद नहीं है, मगर अगर दूध की सबील हो जाए, जरा सा दूध आ जाए, अजीजों सुन सकेंगे। जैसे ही कूफे में ये बात उड़ी, तबीब ने मौला को दूध तजावुज फरमाया है, ए अजीजो मकातिल लिखते छोटे छोटे बच्चे हाथों में दूध लिए हुए अली के दरवाजे पे खड़े हैं। ए अदादारो ये मंजर पढ़ के बस ख्याल आता है, ए मौला अरे आपको तबीब ने जरा दूध कहा, सारे चाहने वाले लेके हाजिर हो गए, मगर जरा करबला आइएगा, आपका लाल अपने शशमाहे को लिए हुए करबला के मैदान में पानी मांग रहे होंगे, अरे इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, कोई आगे न बढ़ेगा जो हुसैन के लाल को जरा सा पानी पिला दे, मेरे लाल अरे तुम भी हुज्जते खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत को तमाम सूखी हुई जबान सपड़ाए हुए होठों फौजों में तला तुम अल्लाह लानतुल्लाह अला अल क़ौम अज़ालिमीन।